ऐसा देखा जाता है कि कुछ हिंदू रिलीजन के अंदर, हिंदू धर्म में कुछ कमियां रही, या कमियां बोल सकते हैं उनको, कि जो एससी कास्ट के लोग हैं उनको एक समाज से अलग कटा हुआ महसूस करते थे, और वो उनका झुकाव क्रिश्चियनिटी की तरफ हुआ। इसी, ये एक मेन रीज़न माना जाता है कि उनको जो सम्मान है वो हिंदू धर्म में शायद नहीं मिला, और यहाँ पे एक उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिस पे वो सबको बराबर समझा जाता है। तो इस चीज़ को मानते हैं आप कि ये भी एक कारण रहा कि क्रिश्चियनिटी हिंदुस्तान में आई? कि आमतौर पर सभी जगह जैसे चर्च होती है, चर्च के साथ में ही ग्रेवयार्ड होता है, कब्रिस्तान होता है, या फिर कहीं अलग भी होता है कि यहाँ चर्च होगी और ग्रेवयार्ड है वो अलग से है। जो मूल यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी है, ऐसा माना जाता है कि जब भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी कैसे आई, जब भी कोई शासन होता है, किसी भी दौर के अंदर शासन रहा है, चाहे मुग़ल शासन की हम बात कर लें, मुग़ल शासन के अंदर जब मुग़ल शासन आया तो भारत के अंदर जो आम जनता थी उनमें मुग़ल या इस्लाम के प्रति थोड़ा झुकाव देखा गया। इसी तरह ब्रिटिश शासन की अगर हम बात करें, तो जब ब्रिटिश शासन आया तो आम तौर पे जनता का झुकाव जो है क्रिश्चियनिटी की तरफ देखा गया। तो माना यही जाता है कि मूल जो है क्रिश्चियन है वो भारतीय ही हैं और हिंदू थे पहले, बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी के अंदर उनका जो है इंटरेस्ट हुआ और इसके अंदर वो कन्वर्ट हुए। क्या ऐसा ही है? नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। अभी सबसे पहले तो क्रिसमस की जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको बहुत बहुत बधाई हो, और आज जो ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के जो जन्म के ऊपर इसको मनाया जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, और क्या क्या जो है उनका संदेश रहा है समाज के लिए उसके ऊपर भी बात करेंगे, और भारत में क्रिश्चियनिटी कैसे आई उसके ऊपर भी हम थोड़ा बात करेंगे। तो हमारे साथ डेविड जी हैं। सबसे पहले तो डेविड जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल के ऊपर। आपका भी स्वागत है मीडिया का, कि आप चर्च में हमेशा यहाँ पर क्रिसमस की खुशियाँ दिखाते हैं जी, और आपका धन्यवाद करते हैं। मैं विक्टर डेविड बोल रहा हूँ, और जनता से अपील भी करता हूँ कि हमारा हरियाणा का जो भाईचारा है बहुत गहरा है जी, पूरे भारत के अंदर ये मशहूर है कि हरियाणा के वासी भाईचारा बहुत अच्छी तरह निभाना जानते हैं, और सभी धर्मों के लोग हिसार चर्च, सेंट थॉमस चर्च के अंदर जो 31 दिसंबर 1865 में स्थापना हुई है, उस दिन से लेकर आज तक, और सामने क्रांतिमान पार्क है वहाँ भी, उस दिन से लेकर आज तक क्रिसमस बहुत उत्साह से मनाते हैं जी। एक चीज़ जो चर्च के अंदर अलग से होती है कि जो समाधि बनाई जाती है, कब्र बनाई जाती है, आप क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवयार्ड, ग्रेव बोलते हैं ना आप, थोड़ा सा उसमें आप ग्रेव एक बनाई जाती है, वो क्वेश्चन का थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूं जी, चर्च में नहीं, चर्च के अंदर नहीं बनाई जाती क्या? चर्च के अंदर नहीं, ये मैं आपको यहाँ पे चर्च के अंदर बनाई गई है, तो ऐसा चर्च के अंदर नहीं है वो जी, ये चर्च का कैंपस है, इसको कैंपस बोलते हैं, चर्च के साथ में काफ़ी जगह है, आगे जो हमारा क्रांतिमान पार्क है वो भी पार्ट है हमारा चर्च का जी, तो और भी बहुत सी जगहें होती हैं, पर ये चर्च के साथ में इसको बोलते हैं, चर्च के साथ में उसकी बाउंड्री होती है, और वो चर्च के साथ के अंदर सिमेट्री को डेडिकेटेड किया होता है। तो डेविड जी, मेरा सवाल जो था वो ये था कि आमतौर पे सभी जगह जैसे चर्च होती है, चर्च के साथ में ही ग्रेवयार्ड होता है, कब्रिस्तान होता है, या फिर कहीं अलग भी होता है कि यहाँ चर्च होगी और ग्रेवयार्ड है वो अलग से है? ज़्यादातर चर्च के अंदर, ये ब्रिटिश टाइम के समय का चर्च है, तो ब्रिटिश टाइप के ऑफिसर्स जो बड़े आला अधिकारी थे, जो भी अंग्रेज थे, कहने का मतलब उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार ग्रेवयार्ड साथ में बनाया, उस समय था, मतलब भारत में जितने भी हैं उनमें ग्रेवयार्ड साथ नहीं होता, बहुत कमों के अंदर है, नहीं तो ग्रेवयार्ड किसी का 5 किलोमीटर दूर है, किसी का 2 किलोमीटर दूर है, सुविधा के अनुसार, पर ये सुविधा के अनुसार उस समय जगह थी, उन्होंने बना दिया, तो वो चला रहा है आज तक। अभी भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पे, जो ब्रिटिश शासन के दौरान
जो अंग्रेज़ हैं उनकी यहाँ पे ग्रेव हैं, कब्र हैं, और उनके बच्चे हैं या उनके पोते हैं वो देखने के लिए या उस पर प्रे करने के लिए आते हैं, या ऐसा कुछ यहाँ पे भी है या इंडिया में? मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि आमतौर पे ऐसा होता है। मैं कई पीढ़ी से हूँ, मैं कई पीढ़ी से यहीं घुटने घुटने चला हूँ और कई पीढ़ी से हम देख रहे हैं। मैं आपको अच्छी तरह बताता हूँ, हमारा तो ऐसा कोई वो नहीं है लिंक कि 1857 से जब अपनी आज़ादी की वो थी, जो बात थी उसके समय की बात है, उसके अंदर तो हम नहीं जाते। हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने लोग आते हैं, पर्यटक हैं, वो आते हैं, उनको सम्मान करते हैं, पर हमारे को ऐसा कोई मालूम नहीं। हम उसकी मेंटेनेंस भी करते हैं हमारे रिलीजन के मैटर के अनुसार, जो ग्रेव हैं यहाँ पर। और बहुत रेयर केस भी मैंने नहीं देखा कि कोई आते हैं, वो बात भी नहीं हो पाती कि उनके रिलीजन है या नहीं है, पर उनके नाम और सभी कब्रों के ऊपर बाय फादर नेम, बाय डेथ का समय और स्पॉट का समय भी लिखे हुए हैं, पर ऐसा कोई वो नहीं है। वो यहाँ से अब हमारा देश आज़ाद है, बिल्कुल हम इंडियन हैं और हम भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह जानते हैं, पर हमने ऐसा कोई देखा नहीं उनको आया है। जो अमूल यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी है, ऐसा माना जाता है कि जब भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी कैसे आई, जब भी कोई शासन होता है किसी भी दौर के अंदर शासन रहा है, चाहे मुग़ल शासन की हम बात कर लें, मुग़ल शासन के अंदर जब मुग़ल शासन आया तो भारत के अंदर जो आम जनता थी उनमें मुग़ल या इस्लाम के प्रति थोड़ा झुकाव देखा गया। इसी तरह ब्रिटिश शासन की अगर हम बात करें तो जब ब्रिटिश शासन आया तो आम तौर पे जनता का झुकाव जो है क्रिश्चियनिटी की तरफ देखा गया। तो माना यही जाता है कि मूल जो है क्रिश्चियन है वो भारतीय ही हैं और हिंदू थे पहले, बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी के अंदर उनका जो है इंटरेस्ट हुआ और इसके अंदर वो कन्वर्ट हुए। क्या ऐसा ही है? आपका क्वेश्चन तो काफ़ी वो है और इसमें मैं दो राय भी नहीं आपके, आपने क्वेश्चन करा है, मीडिया क्वेश्चन करती है जी। हम भारतीय हैं और मैं कई पीढ़ी से 100 साल से ऊपर का, मेरा जन्म क्रिश्चियनिटी में हुआ, मेरे फादर का जन्म क्रिश्चियनिटी में हुआ, मेरे दादाजी हैं, हम यहीं से ही हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि, और हमारा जो भारत देश है वो लोकतंत्र देश है, आज़ादी का देश है, किसी को भी, सबको आज़ादी है, कोई भी रिलीजन में माने, किसी को माने। मैं वो चीज़ आपसे नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मूल आपके कोई 3-4 पीढ़ी पहले जो थे वो हिंदू रहे थे। वो ऐसा है कि ये कन्वर्जन का आप जो बात बता रहे हो जी, आपका जी। हुए या हुए, तो मेरे को जितनी नॉलेज है जी, मैं जितना समझता हूँ, तो सारों ने ही अपनाया है जी, भारत के अंदर हैं तो सभी ने अपना रखा है। तो अब किसी ने 7 पीढ़ी पहले हो गया, हम 6 पीढ़ी पहले हो गए, तो वो है, वही मेरा सवाल, वही है, ऐसा ही है सभी का, सभी को मालूम है, इस बारे में कोई वो नहीं है। तो अब सब हमें कोई ऐसे कहता है, मेरा कहते हैं आप कब से क्रिश्चियन हो, कई कहते हैं कि हम 5 साल से हैं, 10 साल से। आपका कहने का क्वेश्चन यही है, मैं क्रिश्चियन, मेरा जन्म ही क्रिश्चियन में हुआ। मेरे बड़े बड़े अधिकारियों से भी, IPS से इस बारे में, आपसे तो मीडिया से मेरे होती है, तो मेरे पिताजी का 1933 हिसार जन्म ऑन रिकॉर्ड, और मेरे दादाजी हैं वो यहीं, उनकी कब्र है, मेरे पिताजी की कब्र यहीं है। तो हमारा ऐसा कोई भी किसी भी धार्मिक का कोई ऐसा वो नहीं है कि कौन किस में है, उनको सभी के अंदर अपनी अपनी आस्थाओं के अंदर बड़े खुशी से और प्यार से। मैंने सर आपसे ये सवाल तो पूछा ही नहीं कि जो कोई द्वेष है या कुछ और है, मैं जस्ट एक इतिहास जानने की आपसे कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं ऐसे कंट्रोवर्सी के वो उसमें नहीं बात जा रहा हूँ, क्योंकि त्यौहार का वो है, मैं आपकी बातों को सब कुछ समझ रहा हूँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ, अच्छी तरह बता रहा हूँ, क्योंकि मीडिया का अधिकार है और हमारे को भी सच्चाई का बताने का अधिकार है। और तो हम ये चीज़ें बता रहे हैं कि इतने वर्षों से हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत खुशी से लेते हैं और सारे लोग इसको बड़े मिलकर हमसे ज़्यादा, मैंने ये देखा है, अनुभव किया है, हमसे ज़्यादा खर्चा करके, अपना खर्चा भी करके
अच्छी ड्रेस लेना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे फूल लेकर आना चर्च में, उनकी श्रद्धा है ना। और वो ऐसा कोई नहीं है किसी धर्म की बात, वो इतनी मोमबत्तियाँ लेकर आते हैं रोज़ यहाँ पर, कितने आदमी आते हैं मेरे से मिलते हैं, तो वो चाहे क्रिश्चियन नहीं है पर हम उनका बड़ा मान सम्मान, इसीलिए आप जो कल देखेंगे इतना प्यार, हम इतने उस समय को रोटी पानी नहीं हम इन दिनों में खाते, इतना प्यार है, अभी भी लोग आ रहे हैं, तो हम इस प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं जी। हम इस प्रकार जब मैं यहाँ पर आया तो कुछ एक दो जैसे त्यौहार होता है, जाहिर सी बात है त्यौहार पे हर धर्म के लोग आते हैं, और एक गुड़िया यहाँ पे घूम रही थी, मैंने उनसे पूछा, नाम पूछा, मैंने पूछा कि आप क्रिश्चियन हो क्या, तो उन्होंने बोला नहीं मैं बस यहाँ स्टडी करती हूँ और जस्ट बिकॉज की फेस्टिवल है इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और ऐसा ही जो है क्रिसमस पे देखा जाता है कि क्रिसमस के दिन जो मोस्टली हिंदू हैं या दूसरी कम्युनिटी हैं वो भी सभी यहाँ पे आते हैं। हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप बता रहे हो, अभी मैं पीछे गुरुपुरब होता है तो मैं उसमें गुरुद्वारे में गया, मुझे पाठी जी के साथ ही मैं भोजन करता हूँ, बिल्कुल मैं पाठी जी के साथ ही, मैं मौलवी साहब के ईद होती है मैं मस्जिद में जाकर उनके साथ में नीचे बैठकर भोजन करता हूँ। तो हिंदू जाके मंदिर में जन्माष्टमी के दिन हम 12 बजे मंदिरों में होते हैं, तो ये हमारा ऐसा कल्चर है, भारतीय कल्चर है, हम उस समय कुछ नहीं याद रखते। अब कल आपको मैं बता देता हूँ इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, कल ये नहीं पता लगेगा कौन क्रिश्चियन है या कौन नहीं है, इतना उत्साह से आप देखिए कि आपने तो देखा है यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। हमारा प्रशासन का मैं बड़ा सहयोग मानता हूँ, एसपी साहब का और डीसी साहब का मेरी बात होती रहती है और कमिश्नर साहब से, तो वो इतना मदद करते हैं प्रशासन को देख के, कंट्रोल करते हैं पब्लिक को, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना मजबूत रहता है, बड़ी शांति प्रिय से। क्या नाम है गुड़िया आपका? खुशी। क्रिश्चियन हो आप? नहीं, यहाँ पे मोस्टली जो है मैंने घूमते देखे हैं अभी ज्यादातर क्रिश्चियन यहाँ पे आ रहे हैं। नहीं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, आई एम जस्ट हियर फॉर द वाइब। हाँ मतलब त्यौहार पे तो सभी रिलीजन के आते हैं। जी जी जी, यहाँ इस टाइम पे ना वाइब बहुत पॉजिटिव हो जाती है, उसके लिए फिर यहाँ मैं काफी बार आया हूँ। नहीं पहले आई थी बट बहुत साल बाद आई। ओके, स्टडी करते हो क्या करते हो? जी अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके थैंक यू। तो इसी तरह का जो है माहौल देखा जाता है कि मैंने पहले भी जिनसे बात की, अब ये बच्चे आपसे ये एक एक दो दो बार आए हैं, अब इनका मेरे से बात हुई, मैंने बच्चों को बताया यहाँ के कल्चर के बारे में बताया है, इन्होंने पूछा है, तो ये बेटियाँ हैं हमारी हरियाणा की बेटियाँ हैं, तो मैंने बताया बच्चों इन्जॉय करिए और सभी चीज़ को अवेयरनेस रहिए। ओके अवेयरनेस, एक संदेश जो ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट ने दिया, जो मतलब बहुत सारी बातें होंगी जो उन्होंने बताई हैं उसके ऊपर पूरी बाइबल भी है, बट एक ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि ये चीज़ जो है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो कौन सी चीज़ जो उनके संदेश जो है उनके? मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊँ या पूरे में बताऊँ प्रोसेस? शॉर्ट में बता दीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म या जात को किसी को नहीं देखा, वो मानव सेवा के लिए अपने प्राण दे दिए, उसने किसी धर्म के लिए नहीं जान दी, उसने पूरी दुनिया के लिए जान दी अपनी, और उससे हमारा उद्धार हुआ है। और मेरे के अंदर भी मैं बता रहा हूँ, हरियाणा मेरा लैंग्वेज भी हरियाणा, हरियाणा के अंदर इकाई बच्चा हूँ और यहीं सबका प्यारा हूँ, हमारी आवाज़ ही तेज़ है। ओके हम बहुत सॉफ्ट हैं और मैं एक दूसरे से हर धर्म जाति के लोगों से एक ही प्लेट में खाना खाता हूँ मैं। संदेश जो संदेश मतलब एक ऐसा संदेश जो टच करता है हर दूसरी जाति दूसरे धर्म के लोग जिससे अट्रैक्ट होते हैं या आपके धर्म के अंदर प्रचार किया जाता है, वो कौन सा संदेश? ये संदेश ऐसा है कि इंसान से प्यार करो, बाइबल की वर्सेस है, यूहन्ना के अंदर है, हमारी बाइबल के अंदर है, उसने जगत से ऐसा प्यार किया अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यदि हम किसी से प्यार का मतलब ये है कि इज्जत मान अगले को कदर, जब किसी से प्रेम इस चीज़ के अंदर आता है तो फिर कोई बंधन नहीं होते हैं, कोई जात धर्म नहीं होते हैं,
वहाँ पर वो आधी रात मेरे संग दूसरे धर्मों के लोग और मैं भी उनके संग, हमारी कोई भी ऐसी बाध्याएँ नहीं होती, हम उनको क्रॉस करके उनके लिए भागते हैं और वो हमारे लिए भागते हैं। यही सबको संदेश जाना चाहता हूँ। धर्म सबके अपने अपने हैं, उसकी सबकी हम उनको सबको प्रणाम भी और उसकी इज्जत करते हैं। और क्रिसमस को ये मैसेज देना चाहता हूँ, सबसे पहले भारतीय हैं, विक्टर डेविड का ये सबसे को मैसेज है, सबसे पहले भारतीय हैं और भारतीय होना चाहिए, सब अपने अपने धर्म को मानना भी चाहिए। और मेरा तो सबको है, एक दूसरे को प्यार करना है इंसान को जी, यही सबसे प्यार, प्रभु यीशु ने हमें यही सिखाया है, इंसान से प्यार करो। इतिहास के संदर्भ में यदि हम देखें तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ हिंदू रिलीजन के अंदर, हिंदू धर्म में कुछ कमियां रही, या कमियां बोल सकते हैं उनको, कि जो एससी कास्ट के लोग हैं उनको एक समाज से अलग कटा हुआ महसूस करते थे और वो उनका झुकाव क्रिश्चियनिटी की तरफ हुआ, इसी ये एक मेन रीज़न माना जाता है कि उनको जो सम्मान है वो हिंदू धर्म में शायद नहीं मिला और यहाँ पे एक उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिस पे वो सबको बराबर समझा जाता है। तो इस चीज़ को मानते हैं आपके ये भी कारण रहा कि क्रिश्चियनिटी हिंदुस्तान में आई? मैं इससे आपके बात के बात से सहमत नहीं हूँ। आप मीडिया से हैं, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी फ्रीडम है, पर मैं इसको बिल्कुल भी बात को नहीं मानता कि मैं हिंदू रिलीजन को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ, मैं उनकी कोई भी ऐसी बात को, मैं उनके बहुत, आप उनके देखिए कोरोना के समय में, कोरोना के समय में कोई धर्म जात नहीं देखी गई, कैसे लोगों की जान बचाई है, उसमें नहीं पूछा गया कि क्रिश्चियन हो जी, हम भी उसमें थे, मैं और वॉलंटियरों में मैं निकला हूँ। और ये तो एक इंसान का वैसे ही वो है, इंसानियत ये है कि हम इससे ऊपर उठे। मैं इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात को लेके, क्रिसमस का वो है, मैं इतिहास के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। इतिहास को आप अच्छी तरह जानते हैं, इतिहास उसको बोला जाता है जिसको मुझे जहाँ समझ है, जो किताबों में लिखा है, इतिहास तो हमने देखा नहीं जी, मेरी तो इतनी उम्र है, मैंने तो इतिहास देखा नहीं, मैंने इतिहास की बुक पढ़ी है, मैंने 200 साल का, या मैं 200 साल का तो हूँ नहीं, हमने मेरे बाप दादों से सुना है, हमने उनके कदमों में सीखा है। इतिहास वो होता है जो पन्नों में लिखा होता है। उन लोग मेरे महेंद्र जी हैं, इतिहासकार हैं, मेरी उनसे भी कार है, वो ऐसा जब सुनाते हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ही जो आप कहना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, मेरे आज भारत देश आज़ाद देश है जी, और सबको आज़ादी है और हम किसी की आज़ादी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, ना मैं पहुँचाता हूँ और ना कोई पहुँचाता है किसी को। जो भी कहीं है आज़ाद है, कभी हमारा किसी में भी कभी बता दो, हाँ ठीक है हमारी आवाज़ ही ऐसी होती है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, हम ऐसा कोई वो नहीं करना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। तो आज दोबारा से जितने भी हाँ आपका भी धन्यवाद कर दूँ, आप तो सबका कर रहे हो, मैं सबका, मेरे जो देखेंगे चैनल तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के मैरी क्रिसमस बोलता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सभी के परिवारों में पूरे, और मेरे आदरणीय मेरे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैरी क्रिसमस बोलता हूँ, और हमारे देश के पूरे नेतृत्व करते हैं, और मेरे आदरणीय मनोहर लाल जी जो हरियाणा के सीएम हैं, हम उनको भी मैरी क्रिसमस बोलता हूँ, और हमारे कमल गुप्ता जी हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं, तो कमल गुप्ता जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे डीसी साहब को भी जी। जो हमारे पूरे ज़िले के हमारे को जो जिनके शरण में हम चलते हैं, पूरे ज़िले को संभालते हैं, और मैं एसपी साहब और कमिश्नर साहब का भी सबको मैरी क्रिसमस कहता हूँ, और मैं इनको बहुत ही आदर करता हूँ, क्योंकि हम इनके रूलिंग के इनकी बातों के ऊपर ये हमें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि जब भी कभी बात होती है विक्टर डेविड, तो हम इनकी बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप सबका मैरी क्रिसमस एक बार, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हैं हमारे साथ विक्टर डेविड जी, जिन्होंने कुछ सवालों के जवाब क्लियर दिए, कुछ सवालों के जवाब टालते हुए लगे, लेकिन त्यौहार है और हम भी बधाई देते हैं चैनल की तरफ से, जो भी क्रिश्चियन भाई हमारे फॉलोवर हैं उनको जो ये क्रिसमस है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैरी क्रिसमस।
अन्य जो साथी हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।